हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हितेश और आज हम दोबारा से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वेटलैंड पे आए हैं जो कि हरियाणा में पड़ता है। और आज हम आए हैं एक फाल्कन को ढूंढने के लिए। काफ़ी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रेड नेक फाल्कन काफ़ी दिख रहा है, उसको हम ढूंढेंगे, क्या पता मिलता है नहीं मिलता। उसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं तो बर्ड्स की एक्टिविटी में क्या इंक्रीज़ हुआ है। ये वेटलैंड एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो ना सिर्फ फाल्कन के लिए बल्कि बहुत सारे और बर्ड्स के लिए भी एक तरीके से एक घर ही है। आज हम यहाँ इस खोज में हैं कि क्या हमें फाल्कन देख सकते हैं। वेटलैंड में आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स भी, और काफ़ी आपको यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम निकलते हैं फाल्कन को ढूंढने के लिए। मेरा कैमरा और बायनोकुलर्स रेडी हैं, बट उससे पहले मुझे एक बहुत सुंदर सा फ्लेमिंगो बैठा दिख रहा है पूरे वेटलैंड में अकेला, तो मैं जा रहा हूँ उसको शूट करने के लिए एंड आई विल शो यू कि वो कितना सुंदर लग रहा है। फाल्कन ढूंढने के बीच हमें यहाँ काफ़ी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रही है। ये वेटलैंड अलग अलग बर्ड्स के लिए एक तरीके से उनका घर का काम करता है, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे जब आने शुरू होते हैं तो ये एरिया पूरा डक से और स्टॉक्स वगैरह से भर जाता है। और हर बर्ड का इकोसिस्टम में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस जगह की इकोलॉजी के बारे में भी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे हमेशा ही आपको बर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन विंटर्स ऑब्वियसली बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे आके बर्ड्स की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये पानी को फिल्टर करते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो आज का दिन अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा रहा। हाँ, वो अलग बात है कि हम रेडनेक फाल्कन को ढूंढने आए थे, वो नहीं मिला, लेकिन उसके अलावा हमें बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिले, काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, पानी का लेवल कम हो गया है क्योंकि अब बारिश तो अब होगी नहीं, और बहुत ही एक पीसफुल सी जगह भी यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ जो आपको इस आई बटन में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे साथ यहाँ पे आना है तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं 1-to-1 टूर्स भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कौन सा बर्ड का मूवमेंट सबसे अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।